हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने इस फोटो को कैसे एडिट किया है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बिना स्किप के वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो मेरा नाम है नील मुखर्जी, आप लोग देख रहे हैं एन मीटिंग। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, इस बैकग्राउंड को हमें पहले पिक्सअप पर ओपन करना होगा, तो यहाँ से शेयर करके इसको सिंपली पिक्सअप पर ऐड कर लेते हैं। अब सीधा ड्रॉ टूल पर चलते हैं। अब ऐड फोटो में जाके फोटो को सिंपली ऐड कर लेते हैं। ये रहा। इसको ठीक से यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब इस लेयर पर क्लिक करना है और ट्रांसफॉर्म में जाना है। इसको ठीक से एडजस्ट कर लेना है। अब ठीक है, अब डन कर लेते हैं। मैंने इस फोटो को क्लिक करने से पहले हाथ में फुटबॉल लिया है, ताकि जब हम बास्केटबॉल का पीएनजी को इसमें ऐड करेंगे तब कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हमें बास्केटबॉल के पीएनजी को ऐड करना होगा। उसके लिए ऐड फोटो पर जाना है और इस बास्केटबॉल के पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसके ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं। अब यूजर पर जाना है, अब एक्स्ट्रा पार्ट को यस कर देना है। यहाँ पर जो उंगली ऊपर आ रहा है इसको यस कर देना है। ये साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं ये जल्दी में कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से कीजिएगा। अब डन कर लेते हैं। अब हमें इसमें शैडो बनाना होगा, उसके लिए ड्रॉ टूल पर जाना है। यहाँ पर पहले से ही ब्लैक सिलेक्ट हो रखा है, इसके हार्डनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं। 50 ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं और पैर के नीचे हल्के से शैडो बनाते हैं। यहाँ पर हल्के से ड्रॉ करना है। और यहाँ पर भी थोड़ा कर लेते हैं। अब इधर पर जाके इसको हल्के से इधर के साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतना ठीक है, पर ज़्यादा यस हो गया है। मैंने ये जल्दी में किया तो ठीक से नहीं हुआ, आप लोग ये ध्यान से कीजिएगा। अब इस बार लेयर पर क्लिक करना है और इसके ऑपेसिटी को थोड़ा कम करना है। ऑपेसिटी को 45 रखते हैं। अब ये शैडो ठीक से बन चुका है। अब इस फोटो को सिंपली सेव कर लेते हैं। तो गाइस, Lightroom एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब ऐड फोटो में जाके जो फोटो हमने अभी पिक्सअप पर एडिट किया उसको ऐड कर लेते हैं। पहले इस ब्लर टूल पर जाना है और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेना है।
8 ठीक है, और हाइलाइट्स को कम कर लेते हैं। शैडोज को थोड़ा बढ़ा देना है, वाइट्स को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और ब्लैक्स को थोड़ा कम करना है। अब कलर पर चले जाते हैं और विब्रेंस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको +10 रखते हैं। अब मिक्स पर चले जाते हैं और ऑरेंज के सैचुरेशन को थोड़ा कम करना है, इसको 20 -20 रखते हैं, और लुमिनस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं 22 ठीक है। अब येलो पर चले जाते हैं और येलो के ह्यू को थोड़ा माइनस कर लेते हैं, -12 ठीक है, और सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको 10 रखते हैं। अब ब्लू पर जाना है और इसके सैचुरेशन को थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना ठीक है। अब डन कर लेते हैं। अब इस वाले टूल पर जाना है और क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, डीएस को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, विग्नेट को थोड़ा कम करना है 34 ठीक है, -34, और फेदर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इतना ठीक है। अब स्प्लिट टोन पर जाना है और हाइलाइट्स को यहाँ पर ठीक से नहीं हुआ, इसको थोड़ा अब ठीक है। हाइलाइट्स को H56 और H10 ऐसा रखना है, और बैलेंस को +12 कर देते हैं। अब ये बैकग्राउंड से पूरा मैच हो चुका है, अब डन कर लेते हैं। अब इस वाला टूल पर जाना है और शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देना है, और नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा बढ़ा देना है। सो गाइस, पिक्सर पर हमारा फोटो कुछ इस तरीके का था और लाइट रूम पर ऐसा हो चुका है, हमारा फोटो पूरी तरीके से एडिट हो चुका है। अब शेयर पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट में जाना है और इसको HD में सेव कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर एडिटिंग का वीडियो लाता ही रहता हूँ। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई एडिटिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप लोगों ने इस फोटो को एडिट किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिएगा, ताकि मैं भी देख पाऊँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।